हर रोज नई सुबह होती है, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था आज जो मेरे साथ होने वाला है वो मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। Yes. क्या आपके पास पेन होगी? क्यों, क्या हुआ? वो एक्चुअली फोन में सिम लगानी है। लेट मी चेक। अपना फोन दिखाना। ये लीजिए अपना फोन। थैंक यू। वेलकम। क्या हुआ, कोई परेशानी? अभी तक नेटवर्क नहीं आया। दिखाना। अरे इसकी तो सिम ही एक्टिवेट नहीं हुई है अभी, थोड़ी देर में एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद आईडी वेरीफाई करानी होगी, उसके बाद आप मोबाइल यूज कर सकते हो। आईडी वेरिफिकेशन क्यों? आजकल आईडी वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। जिसके नाम पे सिम है उसकी आईडी वेरीफाई हो जाएगी, फिर ये सिम एक्टिवेट हो जाएगी। इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? अगर आपको फोन करना है कहीं पर तो आप मेरा मोबाइल यूज कर सकते हो। नहीं थैंक्स, वो एक्चुअली ये जिसके भी नाम पे सिम है वो मुझे नहीं मालूम। जिसने आपको ये सिम दी होगी उसने अपने आईडी पे ली होगी, तो आप उसकी आईडी वेरीफाई करा के इसको एक्टिवेट कर सकते हो। ओके लेट्स। वैसे आपको जाना कहाँ है? दिल्ली। और आप? मुझे भी दिल्ली जाना है, वहाँ बस एक दिन का काम है। वैसे क्या आप दिल्ली में रहते हो? नहीं, ना ही मेरा दिल्ली में घर है और ना मुझे वहाँ जाना है। तो फिर? Actually, ये मेरी सेकंड ट्रेन है और दिल्ली से मैंने तीसरी ट्रेन पकड़ी है, उसके बाद हमेशा के लिए आजादी। आजादी? लेकिन किससे? आजादी अपनी फैमिली से, जहाँ हर लड़की कह रहे जो फैमिली बोले वो करो, जहाँ बोले वहाँ जाओ, जिससे बोले उससे शादी करो, अपनी मर्जी का तो कुछ भी नहीं। ना तो मैं भाग गई हूँ। तुम भाग गई हो, वो भी अकेले? अकेले नहीं है, कोई साथ में। साथ में? लेकिन कौन है कोई साथ मेरे? दिल्ली से जब दूसरी ट्रेन होगी वो वही मिलेगा। अच्छा तो ये प्यार का मामला है। जी। वैसे एक बात बताऊं, मैंने भी लव मैरिज की थी। वाह, कब? कैसे? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? वो सब क्यों बताऊं? कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा भाई बहन, ये सब ना अकेले। इट मींस मैं तुम्हारा नाम भी नहीं पूछ सकता? नाम भी कुछ भी हो सकता है, रीता मीता सुनीता, वो सब तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ आज मेरा बर्थडे है। वाओ हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। एज कितनी हो गई आपकी? 18। मतलब लीगल एज हो गई आपकी शादी की? वैसे मेरी एज 28 इयर्स है, तुमसे 10 साल बड़ा। हाँ वो तो आपकी शक्ल से भी लग रहा है। वैसे तुम घर से भाग कर आई हो लेकिन तुम्हें देखकर लग नहीं रहा, एकदम टेंशन फ्री। मेरे चुम्मू ने मुझे कहा था बिल्कुल भी टेंशन मत लेना और मॉम डैड के बारे में तो सोचना भी मत, अभी हम दोनों की न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है, यही सोचकर खुश रहना। और अजनबी लोगों से दूर रहने को नहीं बोला तुम्हारे चुम्मू ने? शायद वो बताना भूल गए। वैसे बहुत टैलेंटेड है तुम्हारा चोमो, इस तरह इस तरीके से घर से भगाना बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत टैलेंटेड है और उसके जैसा कोई भी नहीं है। पता है मेरी शादी को 5 साल हो गए, मेरी 2 साल की प्यारी बिटिया भी है। ओह, सो क्यूट। पता है जब ये पैदा हुई थी ना तो मैं दुबई में था, बहुत अच्छी सैलरी थी, लेकिन वो सब छोड़ कर मैं इंडिया आ गया। क्यों? रिटर्न क्यों आ गया?
बीवी बच्चों से दूर रहकर पैसा तो मिल जाता लेकिन मन का सुकून नहीं मिलता, और मैं अपनी बच्ची को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखना चाहता था। Very impressive. लेकिन आपने तो लव मैरिज की थी ना, फिर आप भागकर कहां गए? हमने भागकर शादी नहीं की। हाँ ये बात और है, उसके डैड ने मुझे रिजेक्ट जरूर कर दिया था। रिजेक्ट क्यों किया? मे बी उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग, शायद मैं उनको अच्छा नहीं लगा। फिर आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, रिजेक्ट होने के बाद मैंने ममता से ब्रेकअप कर लिया। ममता ने मुझे बहुत समझाया कि चलो भाग चलते हैं, लेकिन मैंने उसको बोला कि भागने से लड़के की जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वहीं लड़की को करेक्टर पर उंगलियां उठाई जाती है, उसे उल्टा सीधा कहा जाता है। जब भी कोई मूवी देखते हैं जिसमें लड़का लड़की को भगा के लेके जाता है तो लोग तालियां बजाते हैं, सीटी बजाते हैं, लेकिन लड़की लड़की का क्या, उसको उल्टा कहा जाता है। लड़की के घर वाले सही से जी नहीं पाते। यही बात मैंने उसे समझाई कि जैसे तेरे माँ बाप हैं वैसे वो मेरे माँ बाप भी हैं, उनको दुखी रखकर भला मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। आपकी शादी कैसे? उसकी एंगेजमेंट कहीं और हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे शादी के दिन करीब आए लड़के वालों की डिमांड बढ़ गई। दहेज की डिमांड? लड़के वालों को उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग बहुत सारा सामान और पैसा चाहिए था। ये बात खुद लड़के ने ममता को बताई। उसके बाद दोनों फैमिलीज में लड़ाई हुई और एंगेजमेंट टूट गई। बस यही मेरे पास मौका था अपने आप को प्रूव करने का समाज और लोगों के सामने कि मुझे बस ममता चाहिए थी, उसका प्यार चाहिए था, पैसा या सामान कुछ भी नहीं चाहिए था। बस यही बात मेरे फेवर में गई और आज हम दोनों साथ हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अगर उनकी शादी गलत जगह हो जाती उनकी जिंदगी तो बर्बाद ही हो जाती। नहीं, माँ बाप हर बार गलत हो ऐसा सही नहीं है, ना ही बच्चे हर बार सही होते हैं। हाँ, ये बात तो है, डिसीजन कुछ भी हो लेकिन किसी को दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन दोनों को मिलकर डिसीजन लेना चाहिए, किसी एक का भी डिसीजन दूसरे को दुखी देगा। अब तुम खुद को ही देख लो, सब कुछ बिना सोचे समझे घर वालों की बिना मर्जी के छोड़ के चली आई। तुम्हें तो अभी तक सच्चे प्यार का मतलब ही नहीं पता। मतलब क्या है सच्चा प्यार? सच्चा प्यार तो तुमने किया है, बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ छोड़कर चली आई, क्योंकि प्यार में दिमाग लगाया नहीं जाता। उधर तुम अपने चोमू को देखो, तुमसे तीन तीन ट्रेनें बदलवाई, तुम्हें नई सिम दी। अगर वो भी तुम्हारी तरह दिल से प्यार करता तो इतना दिमाग नहीं लगाता। दुनिया में आज तक जिसने भी सच्चा प्यार किया उसने दिमाग नहीं लगाया, अगर लगाया होता ना ही कोई जूलियट होती और ना ही कोई मजनू। इन लोगों ने प्यार में अपना सब कुछ खो दिया, खुद अपने आप को भी। जानती हो सच्चा प्यार क्या है? सच्चा प्यार तुम्हारे पापा करते हैं तुमसे। अगर तुम नहीं रहोगी ना तो वो गुमसुम हो जाएंगे, उनका वजन आधा हो जाएगा, तुम्हारी माँ डिप्रेशन में चली जाएंगी, वो ठीक से खाना भी नहीं खाएंगी, और तुम्हारे चोमू का क्या, कुछ दिन रोलेगा और एक नई गर्लफ्रेंड बना लेगा। अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना आजकल का फैशन है, ट्रेंड है। तुम नहीं रहोगी तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी जैसी बेटी दोबारा नहीं मिलेगी, और ना ही तुम्हें उनके जैसा प्यार करने वाले ऐसे माँ बाप। भैया, क्या मैं आपको भैया बुला सकती हूँ? जी हाँ, मुझे अपना बड़ा भाई समझो। क्या मुझे आप अपना फोन दे सकते हैं? लो बहन। हेलो पापा, I'm sorry, मैं घर आ रही हूँ। नहीं कुछ नहीं हुआ, आप टेंशन मत लीजिए। मुझे अगली जाने वाली भोपाल ट्रेन से छोड़ दीजिए। चिंता मत करो बहन, मैं छोड़ दूंगा। चलो।